हरे कृष्णा। जगन्नाथ पुरी धाम पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री पुरी धाम में श्री जगन्नाथ भगवान विराजमान है। कलयुग के भगवान सभी का उद्धार करने के लिए प्रकट हुए हैं। कहते हैं जगन्नाथ पुरी में 108 उत्सव मनाए जाते हैं पूरे वर्ष में, और उनमें से सबसे दो प्रमुख उत्सव हैं जगन्नाथ जी की रथ यात्रा और जगन्नाथ भगवान की स्नान यात्रा। देवता भी जगन्नाथ भगवान की उपासना और पूजा करने के लिए आते हैं और कहते हैं देव देव जगन्नाथ प्रणत आर्त विनाशन त्राही माम पुंडरीकाक्ष पतिताम भव सागरे। हे देवताओं के देवता, हे जगन्नाथ, पूरे विश्व के नाथ, जगत के नाथ जगन्नाथ, आपसे हम प्रार्थना करते हैं। आप तो प्रणत आर्त विनाशन है, यानी शरणागतों के सभी दुखों का निवारण कर देते हैं। त्राही माम पुंडरीकाक्ष, पुंडरीकाक्ष हम प्रार्थना करते हैं पतिताम भव सागरे, भव सागर से हम जैसे पतितों का उद्धार कर दीजिए। भगवान जगन्नाथ राजा इंद्रदुम्न की इच्छा से समुद्र के किनारे दारुभ्रम यानी कि लकड़ी के रूप में प्राप्त हुए। एक बहुत बड़ा सा तना जिस पर सुदर्शन चक्र, कमल, गदा, शंख बना था, राजा इंद्रदुम्न को प्राप्त हुआ। राजा इंद्रदुम्न नीलांचल धाम नीलगिरी पर्वत पर नील माधव विग्रह की सेवा करना चाहते थे, लेकिन भगवान उनको प्राप्त हुए दारुभ्रम के रूप में, और उस तने को लाया गया स्वर्ण सिंहासनों पर विराजमान करके, और जब उसको पुरी धाम मंदिर के अंदर स्थापित किया गया नारद जी की इच्छा से, तो नारद जी ने वहां पर इच्छा व्यक्त की भगवान का सुंदर सा विग्रह, एक महावेदी बननी चाहिए, और महावेदी पर जगन्नाथ जी का ऑल्टर पर जगन्नाथ के डीटीज इंस्टॉल होने चाहिए। तो इस प्रकार से वहां पर कई सारे कारीगर आए जो तने से जगन्नाथ जी बनाना चाहते थे, लेकिन सभी के हथौड़ी और छेनी टूट जाते थे। लेकिन विश्वकर्मा स्वयं वहां प्रकट हुए और ब्रह्मा जी और नारद जी की इच्छा से वहां पर एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेके आया और कहा मैं यहां पर जगन्नाथ जी का रूप बनाना चाहता हूं, भगवान का रूप स्वरूप बनाना चाहता हूं, लेकिन मुझे एक कक्ष में बंद कर दिया जाए और 21 दिनों तक इसे ना खोला जाए। तो बाहर मृदंग, तुरई और कई प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे थे और अंदर विश्वकर्मा जी भगवान के स्वरूप को आकार दे रहे थे। 15 दिन तक तो हथौड़ी छेने की आवाज आई, लेकिन राजा इंद्रदुम्न की पत्नी गुंडीचा माता, उन्होंने कहा लगता है बूढ़ा ब्राह्मण बहुत दिनों से बना रहा है, कोई आवाज नहीं आ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं वो कारीगर अंदर ही प्राण त्याग दिया हो, तो आप कृपया करके खोलिए और जाकर पता करिए। जैसे ही अपनी उस वेदना में उन्होंने तुरंत ही उस कक्ष का दरवाजा खोल दिया, पाया जगन्नाथ जी का एक विचित्र स्वरूप था, बड़ी बड़ी आंखें थी, हाथ पूरे नहीं बने थे, पैर भी नहीं बने थे। राजा इंद्रदुम्न पटक पटक के सिर रोने लग गए, कहा ये क्या किया, अगर मैं एक हफ्ता और वेट कर लेता तो यहां स्वरूप भगवान का पूर्ण बन जाता। तब भगवान ने उनको ये कृपा करी और आकाशवाणी के द्वारा ये बताया कि ये मेरा कलयुग का जगन्नाथ रूप है। ये जो रूप है भगवान का, इसको कहा जाता है राधा विरह ठाकुर। भगवान चैतन्य महाप्रभु को कहा जाता है कृष्ण विरह ठाकुर, यानी कि राधा रानी का भाव लेके चैतन्य महाप्रभु कृष्ण 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 कहते हुए जगन्नाथ जी के मंदिर में जाते हैं, और जगन्नाथ भगवान बड़ी बड़ी आंखों से राधा रानी के विरह को स्मरण करते हुए इंटॉक्सिकेटेड हो जाते हैं, नशीली आंखें हो जाती हैं, और उनकी बड़ी बड़ी आंखों से वो राधा रानी के स्वरूप को स्मरण करके देखना चाहते हैं। इसीलिए श्री मंदिर में बैठकर, उस नीलांचल धाम में बैठकर के गुंडीचा मंदिर जिसे सुंदरांचल कहते हैं उसको देखते हैं। तो रथ यात्रा जब भी निकलती है तो श्री मंदिर से गुंडीचा यानी कि नीलांचल धाम से सुंदरांचल धाम की ओर जाती है, बड़ा दंडा रोड जिसे ग्रैंड रोड कहते हैं। और इस यात्रा से पहले होती है जगन्नाथ जी की तैयारी, स्नान यात्रा की तैयारी, और इस स्नान यात्रा में भगवान जगन्नाथ जी को महावेदी के ऊपर लाया जाता है। उस दिन से पहले, दो दिन से पहले कार्यक्रम शुरू होते हैं, त्रयोदशी के दिन से ये कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं, और त्रयोदशी को भक्त लोग, भगवान के दो उत्सव विग्रह हैं, मदन मोहन जी का विग्रह और एक है सरस्वती माधव का विग्रह। तो लक्ष्मी मदन मोहन दक्षिण घर में विराजमान होते हैं और सरस्वती माधव जो हैं ये शयन घर में विराजमान होते हैं, और ये उत्सव विग्रहों को भी बाहर लेके आया जाता है। और
जो स्नान पूर्णिमा है जो कि ज्येष्ठ पूर्णिमा को पड़ती है, जिस दिन जगन्नाथ जी प्रकट हुए थे इंद्रद्युम्न की इच्छा से, उस दिन को जगन्नाथ जी का बर्थडे अपीयरेंस यानी आविर्भाव तिथि, जगन्नाथ जी का प्रकट दिवस रूप में मनाया जाता है। जगन्नाथ जी ने कहा था आज के दिन मैं प्रकट हुआ हूं, मेरा महास्नान होना चाहिए। तो ये 3 दिन से शुरू हो जाता है, पहले दिन उत्सव विग्रहों के द्वारा और स्नान पूर्णिमा से एक दिन पहले यानी चतुर्दशी को रात्रि में भगवान को बड़ा श्रृंगार वेश दिया जाता है। बड़ा ही सुंदर बड़ा श्रृंगार वेश रात को 10:30 बजे दिया जाता है। सुंदर सुंदर पुष्प मालाएं, चंपा, जूही, चमेली, मोगरा, ऐसे सुंदर पुष्प देकर वृंदावन का स्मरण कराया जाता है कि अब समय आ गया है आपकी रथ यात्रा का, आप जाएंगे वृंदावन धाम की ओर। और इस प्रकार से जगन्नाथ जी को महा स्नान वेदी पर आरूढ़ करके बहुत सारे वस्त्रों से उनको सजा करके बड़े बड़े कलशों से 108 स्वर्ण कलशों से जगन्नाथ जी का स्नान कराया जाता है। वो जल कहां से आता है? जगन्नाथ जी ने कहा था कि इस मंदिर से लेकर समुद्र के नॉर्थ डायरेक्शन में अगर आप जाएं तो कई कुएं आपको मिलेंगे और उन कुओं में तीर्थों का जल भरा हुआ है। कोई गंगा जल है, कहीं यमुना जल है, उन्हीं तीर्थों का जल लाया जाता है। उसमें कर्पूर चंदन मिलाकर के जगन्नाथ जी का 108 बड़े बड़े स्वर्ण कलशों से स्नान कराया जाता है, जिसे सभी भक्त बड़े ही आनंद में देखते हैं, कीर्तन होता है। और वहीं पर स्नान पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ की मंगल आरती भी होती है और जगन्नाथ जी को वहीं पर भोग लगाया जाता है। जगन्नाथ जी इस स्नान यात्रा के बाद में एक वेश धारण करते हैं जिसे गजा वेश कहते हैं। ये गजा वेश उन्होंने अपने एक भक्त के लिए धारण किया था, जो उनके भक्त थे जिनका नाम था गणपति भट्ट, कर्नाटक के रहने वाले थे। उन्होंने शास्त्रों में पढ़ा था कि भगवान जो है वो बड़े ही विशाल है, उनका मस्तक बड़ा है, उनके आगे एक सूंड जैसी है, टस्क है, एक दांत है, यानी कि देखने में हाथी वेश के हैं भगवान। और उन भगवान ने कलयुग में अपना प्राकट किया है और कोई जीव अगर उनका दर्शन कर ले तो उस पर ब्रह्म के धाम को प्राप्त करता है। इस बात को सुनकर के गणपति भट्ट ने कर्नाटक से पैदल चलना शुरू किया और सभी अपने घर वालों को छोड़ दिया, पत्नी बच्चों को त्याग करके सन्यास वैराग लेकर चल दिए। लेकिन जब वो जगन्नाथपुरी के 18 नाला स्थान में पहुंचे तो देखा कई भक्त अपने घर की ओर जा रहे हैं खाजा प्रसाद लेके। तो उन्होंने कहा, अरे आप लोग वापिस कैसे जा रहे हैं, आपको क्या परब्रह्म के दर्शन नहीं हुए? बोले हो ही नहीं सकता कि वो परब्रह्म हो, क्योंकि अगर परब्रह्म होते तो आप लोग वापस क्यों जा रहे हैं, आपको मोक्ष क्यों नहीं प्राप्त हुआ? तभी वहां भगवान प्रकट हुए। भगवान जगन्नाथ ने ब्राह्मण का रूप लेके कहा, अरे भाई आपको ऐसा क्यों लगता है, जगन्नाथ परब्रह्म है तो साथ में कल्पतरु भी हैं, इच्छा पूर्ण करने वाले भगवान हैं। इन भक्तों की इच्छा ही ये थी कि वापस चले जाएं अपने घर को प्रसाद लेकर के, इनकी मोक्ष की कामना नहीं थी, इनकी परब्रह्म के धाम को प्राप्त करने की कामना ही नहीं थी। वो समझ गए और वहां पर आए और आकर के जब देखा जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा चल रही है तो बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन उनका वेश तो गजवेश नहीं था, ये देख करके बड़े ही दुखी हो गए और फिर दोबारा से वापस अपने घर की ओर मुड़ने लगे। तभी भगवान जगन्नाथ ने जो हेड पुजारी थे मुदीरथ, उनको कहा कि आप जाइए और जाकर के इसको कहिए आप एक बार प्रणाम तो करो, जब दंडवत करके उठोगे तो तुम मेरा गजवेश रूप ही देखोगे। और इस प्रकार से जब गणपति भट्ट ने प्रणाम किया और वापस पुनः देखा भगवान की ओर तो भगवान ने सुंदर गजवेश धारण किया था। और उस दिन से ये परंपरा चल गई कि भगवान को जगन्नाथ को गजावेश लगाया जाता है। और देखते ही देखते गणपति भट्ट जो थे वो भगवान के विग्रह में विलीन हो गए, बड़े भारी भक्त भगवान के हुए। और उसी का स्मरण करते हुए, भक्ति भावना का स्मरण करते हुए भगवान को एक हाथी गज का वेश लगाया जाता है जिसमें दांत होते हैं, सूंड होती है, काले और सफेद गोल्डन इस प्रकार के वेलवेट के कपड़ों से भगवान का विशेष श्रृंगार होता है। और वहां पर श्रृंगार करने के बाद में भगवान को सुंदर रूप से भोग अर्पित किया जाता है। इस प्रकार से सभी भक्त इस स्नान यात्रा को मनाते हैं। तो आपके घर में अगर जगन्नाथ जी हैं तो आप भी अपने घर में स्नान यात्रा बना सकते हैं, या फिर हमारे इस्कॉन मंदिरों में आकर के आप जगन्नाथ जी की विशेष स्नान यात्रा, आनंद बाजार, भगवान का जगन्नाथ जी का महाप्रसाद भोग, इसे ग्रहण करके अपने जीवन को आनंदमय बना सकते हैं। स्नान यात्रा देखने मात्र से हमारे हृदय के सारे कलमश जुड़ जाते हैं। जितना जितना जल भगवान जगन्नाथ के विग्रह श्री विग्रह पर पड़ता है उतना उतना कलमश हमारे हृदय से धुल जाता है। ये अति पावन पवित्र त्योहार है। इसके बाद 15 दिन तक भगवान जगन्नाथ दर्शन नहीं देते, अनवसर भगवान को बुखार आ जाता है। इसके पीछे गुहेतम कई कारण हैं कि भगवान लक्ष्मी जी के साथ कुछ पल बिताना चाहते हैं और उसके बाद भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा पे आरूण होकर के वृंदावन यानी कि गुंडीचा मंदिर की ओर अग्रसर होंगे। रथ यात्रा की कथा हम
अगली बार आपको बताएंगे। हरे कृष्णा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.